नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप ब्लॉग 02। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज जहां पे आया हूं वो है बाबा का मंदिर। बहुत चमत्कारिक मंदिर है यहां पे, मतलब बहुत पुराना मंदिर है। उसी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, बाबा से सुनते हैं यहाँ की कहानी क्या है। बाबा यहीं के, तो इनके ही सुनते चले आइए। तो बाबा आप बताइए इधर के बाबा के बारे में। अब से 250-250 वर्ष पहले बाबा जी यहाँ पर जीवित समाधि लिए थे जी। उनका नाम श्री जमुनापुरी जी महाराज था जी। जी हम लोगों के बाबा पर बाबा पिताजी सब पूरी कहानी बताए हैं, वही कहानी हम बता रहे हैं जी। जी वो तो है। तो जीवित समाधि यहाँ पर लिए थे, तभी से इनकी मान्यता धीरे धीरे बढ़ती रही। पुराना चबूतरा था पहले, अब उसके बाद फिर ये चूँकि पूरी कोट के स्थान है, इसलिए भगवली के महंत परशुरामपुरी जी को बुलाया गया कि आपका ये स्थान है, तो वहाँ जो मौजूदा मंडप है परशुरामपुरी जी ने बनवाया था जी। तब से कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ता रहा है और यहाँ पर अब 3 दिन का प्रोग्राम, नौरहिया का जो रामलीला का प्रोग्राम होता वो भी होता है। ये जो मंदिर है सामने श्री हनुमान जी का, फिर इधर चले आइए तो शंकर जी का जो मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है और आदिशक्ति देवी दुर्गा जी भी उसी में पड़ोस में शनि देवता हैं। चलते बाबा उधर। ये शनि देवता का स्थान है, भक्तों ने बताया कि हाँ शनि देवता का कोई स्थान नहीं है फिलहाल, तो फिर आस पड़ोस के भक्तों ने मिल करके फिर इनके सहयोग से यहाँ के पुजारी ने ही फिर इसकी स्थापना कराई। ये भी 2 ही साल हुआ है करीब। ये माता रानी का मंदिर है। देखिए यहाँ पर पहले एक चबूतरा था बाबा जी का, ये मकान है। कौन सा? ये जो पड़ा हुआ है सब गिट्टी पिट्टी है। अच्छा अच्छा, नीम था कि था। अच्छा। और ये शंकर जी का मंदिर था पहले जी। जी और ये बाबा जी का बनवाया हुआ कुआं है। अच्छा, बाबा जी का कुआं है। बाबा जी का बनवाया हुआ कुआं है, नीचे लंबी लंबी ईंटें हैं, वो इसी में स्नान करते थे, यहाँ पर शंकर जी की पूजा करते थे और फिर जीवित समाधि वहाँ लिए हैं। और यहाँ के जो शंकर जी थे जिसको बाबा जी स्वयं पूजते थे। अच्छा। आज बसारा में भी पूरा पश्चिम मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर रखी हुई लाट। 200 वर्ष पहले यहाँ से बाबा जी अंतर ध्यान हो गए, तो यहाँ पर बाबा जी की प्रेरणा हुई कि हमारा शिव जी का मंदिर सूना पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई है नहीं तो स्थापना वहीं पर हो। तो सभी की रियाय हो गई, तो जंगल झाड़ी काट करके फिर ऐसे गोल चौतरा था पहले। अच्छा अच्छा, गोला चौतरा था जी। और उसके बाद फिर इसी स्थान पर जो है शंकर जी की पुनः स्थापना हो गई, वहाँ पर उनका नाम बागेश्वर हो गया। अच्छा। लेकिन यमुनापुरी जी के ईश्वर हैं, इसलिए हम यहाँ इनका नाम यमुनापुरीश्वर कहते हैं। हम इसी गांव के रहने वाले हैं, बच्चराज मऊ के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा। जूनियर हाई स्कूल से 2008 में रिटायर हुए। अरे अरे वाह। एक शंकर जी का मंदिर दरवाजे पर है और एक बाबा जी की प्रेरणा से एक यहाँ स्थापना हुई, माता काली का मंदिर है। बैठे बाबा इसकी कहानी बता रहे थे, किसी का क्या मन्नत मांगा था। हाँ, ये पवैया के वर्मा जी थे, तो उन्होंने कामना की और उसके बाद में फिर कहा हम 12 बजे बनवाएंगे। अच्छा अच्छा, पुत्र की प्राप्ति उनको। तो यहाँ की ये दास्ता है, तो बाबा के मुँह से ये भी सुन लिया आपने, ये भी जान लिया। और चलते जो मेन बाबा हमारे जमुनापुरी बाबा हैं, तो उनके बारे में विशेषता जो सुनता चला रहा हूँ बचपन से, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में सुना हूँ, बहुत छोटा था तो मैं आया था तो मुझे पता भी नहीं था। तो आज बाबा की सब जुबानी जानेंगे, यहाँ की जो जमुनापुरी मेन बाबा जिनके नाम से मेला लगता। तो भैया कब से दुकान लगाते हो आप यहाँ प्रसाद की? 6-7 साल हो गए भाई। 6-7 साल हो गए। ये भाई साहब मंदिर के सामने बैठते हैं, मैं बात कर रहा था जमुनापुरी बाबा का, तो ये कहाँ चमत्कार है वो ये बाबा जी से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये बाबा जमुनापुरी है। और मुझे बताइए जमुनापुरी बाबा के बारे में क्या चमत्कार है। बहुत सी बातें बताएं आपको जी। अब मेन पुजारी जो ठाकुर साहब बैठे हैं, कुछ ही बताऊं चमत्कार बाबा जी के बारे में। बाबा जी से पूछ लेते हैं, ये पुजारी जी बैठे हैं आज, इनसे ही सुनते हैं यहाँ की जुबानी जी। बाबा आप बताइए पूरी कहानी आगे। बाबा जमुनापुरी जो है जी, एक महान संत रहे, और जो है एक राजा भी रहे, समझो राजा भी रहे संत भी रहे। कि बाबा के जागीर जो है 1.5 मऊ आना पैसे असूला भी नहन की रहा जमुनापुरी, जाने जी, घेरी घेरी में यहाँ जमीन जो है अब्बे
25 साल पहले बिकान है 2.25 बीघा जी का परशुरामपुरी में चिन्ह है बड़े महादेवा वाले यू की पुरी में स्थान लागत है जी। तो वही बेचिन नहाई का लोके महारा खात जो रामपुरी जमुनापुरी के नाम रहा है। रामपुरी बाबा जो है जमुनापुरी के चेला है। जमुनापुरी बाबा आज के 300 साल पहले लगभग जो है जी जिंदा समाधि लिहिन्ना है। अच्छा जब जबकि जो है हमारे पास जो नकल है यहाँ के कागजात ऑफिस खाने के बाराबंकी के जी उमा सन 1865 में अंग्रेजी शासन आवादिक बंदोबस्त कराइस रहा है। तो आवादिक जब बंदोबस्त कराइस रहा है तब जमुनापुरी नहीं रहा है रामपुरी रहा है उनके चेला रामपुरी। तो रामपुरी जो है 102 साल के रहा है उमा उम्र लिखी है और यहाँ 60 घर बने रहे हैं गोसाइन के जी। उमा एक घर मुस्लिम का भी रहा है 61 घर रहा है। वही उमा यह लिखा है वही खसरा पर यहाँ कि जमुनापुरी के सब मजदूर आए बसे रहे हैं बाकी आदमी जमुनापुरी बाबा के अलावा जत्ते आदमी रहें वे सब मजदूर बसे रहे हैं। उमा यह लिखा है फलाने मकान नंबर फला जमुनापुरी के मजदूर समझो। तो यहाँ पर यहाँ बहुत बड़ी एक आबादी रहा है समझो जी का गोसाई पूर्वक नाम से रहा है आए बछराज मऊ मजरा। अच्छा हाँ बछराज मऊ नंबरी गाँव है जानो। तो इतना ही यहाँ क्या इतिहास रहा है। उसके बाद बाबा जमुनापुरी के सामने यहाँ पर यहाँ भंडारा रहा है कितरौली के जो है दलई पासी। अच्छा वो जो है यहाँ भंडारा खैन इसके बाद के यहाँ जो है उन्हें के खेतवा में यहाँ के बोझ उठा के अपने मुड़े धर लिही कि ले जा भाई रात भर जो है खड़े रहे जी ना पैर बढ़ा ना बोझ गिरा। अरे हाँ इतने सिद्ध बाबा दे। हाँ बाबा सुबह गए तो अपने खेत तब जो है कहन की ले जाओ का बात है दलाई कहे ले हो ले जाओ। तो रोवेला कहला महाराज ना हमार पांव बढ़ रहा है ना यू बोझ गिर रहा है समझो। तो कहन गिरा दियो हम कहे थे गिराओ तो गिरा दिए कहन जाओ तुम्हारा जन ने तैसे बरकत तो शराब दिन यहाँ सफीपुर के आए कितरौली गाँव है उमा के लिए आए दलई। फिर और बाकी नदी के वही पार जो इनकी जगीर रहा है निजाम अली टांडन तो बाबा ये नदी के यहाँ ऐसे मतलब उतर जाते रहे बिना पानी कुछ खेराव पहन बिना कुछ खेराव में चले जाते ऐसे पानी को ऊपर फड़फड़ फड़फड़ उतर जा रहे। और ये जब जिंदा समाधि लिहिन है तो हमरे यहाँ पुरखा बतावत है जो उन्हों सुनी नहीं कोई सुनी कहे से जब 300 साल का मामला है लंबा मामला है। तो हमरे यहाँ पुरखा कह रहा है 6 महीना तक का एक सुलाग राखी न है हवा प्रवेश खातिर और हुक्का और तमाखू लेके बैठ रहे हैं। तो 6 महीना तक का इनका हुक्का बाजा है पाछे तमाखू चुकी गए कि का भवा इका तो कोई बता नहीं सकत बाबा फिर लौट निकले नहीं रहे जानो। तब से हिया की महिमा है मुश्किल का दुर्भाग्य यू है कि बीच में यहाँ गोसाई सब कहाँ चले गए कहाँ भाग गए जब 250 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास बिल्कुल। तो 250 साल पहले तो सब रहे सबके घर बने रहे यहाँ रहते रहे क्योंकि रामपुरी के ना रहे के बाद सब कहाँ चलेगा कहीं का कोई जानन हार नहीं यहाँ सब जंगल होगा। इस समय एक पुराना साधु रहा है जो अपने शरीर से कोढ़ी होगा रहा है यादव आए है तिर जाफरपुर का अति अति उंगली बह गई रहा है गोड़े हाथे के लिए क्यों लेकिन आए क्यों जो कर्म की कर्म रोग रोग होता है। हाँ तो वो जो है उसकी बह गई रहा है क्योंकि यहाँ एक साधु रहा है हरभजन दास। अच्छा उसके समय में यहाँ यहाँ आएगा 15 दिन रह गवा बाबा के लिए कृपा सनी अपने सनी सब कोड़ भाव बंद हो गवा गवा ठिकाए। तो वो यहाँ 9 साल फिर रहा है और साधु रहे हैं 9 साल वो रहा है आज 3rd साल है वो खत्म हो गवा। अच्छा तब से हम खुद जो है बाबा जमुनापुरी के मतलब जो है सेवा कर रहे हैं सेवा। हमारा टाइम यू है कि हम 3 बजे 2:45 बजे उठब नहाए धोए लेटरिन जाब मंजन करब नहाए धोए और बस बाबा के यहाँ सीधे चले चाहे बरसात हो चाहे बरखा हो चाहे जाड़ हो चाहे जो कुछ हो हिया मंदिर में सब पूजा कह के और बस वापस जाबे फिर लौट के अब खाए पी के अबे फिर हिया शाम के यहाँ 7:15 बजे 7:30 बजे रुकबे क्योंकि अपने हिंदू धर्म देखो ये मंदिर कत्ता जर्जर है नहीं। हाँ ये देख सकते हो आप लोग कितना वाला है आपने मंत्र कहाँ से लिया। हाँ हम मंत्र जो है अयोध्या में यहाँ ले हैं नृत्य गोपाल दास जो राम जन्म भूमि के अध्यक्ष हैं मणि राम छावनी जी का छोटी छावनी कहते हैं ठीक है महंत हैं जी। वो कम से कम 95 साल के हैं
उनसे हमने मंत्र लिया। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 92 से, जो है सन 1992 से हम यहाँ का मतलब जो है देखभाल कर रहे हैं, प्रबंधक या पुजारी जो कुछ समझो हम। थी बाबा जी की कहानी आपने सुन लिया बाबा जी के मुँह से, और मैंने आपको मंदिर भी दिखा दिया, तो ये बड़ी चमत्कारिक मंदिर है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग आते मनोकामना लेके, और पूरी भी होती लोगों की क्योंकि यहाँ भीड़ रहती। आज मैं इस मंगलवार को आया तो मंगलवार को इतनी भीड़ है, और यहाँ पे मेला कभी लगता है बाबा? हाँ, मेला आज नहीं पुरातन का है। अच्छा, साल के 12 छत्र हर मंदिर को मेला होता है। हर मेला मतलब बहुत ज्यादा भव्य भीड़ भर कब होती? वो तो जो वो साल का मेला जब होता है चैत पूर्णिमा, ये अप्रैल में पड़ता है, अप्रैल में जो है चैत पूर्णिमा पड़ती है, उसमें जो है पूरा पूरी तिर के कम से कम 10 लाख के गिर्द का आदमी होता है यहाँ। तो पहले मंदिर को क्या बोलते थे बाबा? शिवाला। शिवाला अभी पहले, आज के युग में लोग मंदिर मंदिर कहते हैं, नहीं पहले जितने मंदिर थे उनको शिवाला लिखा जाता था, शिवाला कहा जाता था। हाँ देखे, ये जिला बाराबंकी पड़ता है, तहसील फतेहपुर, ब्लॉक फतेहपुर, ग्राम सभा मवैया है, अछराज मऊ राजस्व गांव है। ये बिशुनपुर जो बाराबंकी से रोड फतेहपुर गई है वहाँ पर बिशुनपुर बीच में पड़ता है, बिशुनपुर से जो है 2.5 किलोमीटर बाबा बछराज मऊ है, और बछराज मऊ से बाबा जमुनापुरी है, बछराज मऊ में ही जमुनापुरी स्थान लगता है। भैया नजनी कत्ते आदमी जो है नौकरी पाए गए हैं, पुलिस पाए गए, मास्टरी पाए गए, रेवलियम हो गए, नहीं समझो, यहाँ जमुनापुरी की मन्नत माने से जाने, और नजनी कत्ते जिनके संतान नहीं रहे, बाबा के आए साल डेढ़ साल दौड़े और बस उनके संतान हो गई जानो, और गाय भैंसी तो चाहे बियाए और खून दिए, और बाबा के यहाँ आदमी आवे लगा से 4-5 मंगल आवत है बस दूध दिए लगती, नहीं समझो। तो ये यहाँ की महिमा है, आपको बताए कम से कम 20-25 आदमी रोज परनी जवार के क्षेत्र के बाबा के यहाँ रोज आवत है, नहाते हैं और जल चढ़ावत है, परिक्रमा लगावत है, मन्नतें पूरी भी होती है। मैंने सुना यहाँ पे जो आता है श्रद्धा के साथ बाबा सुनते भी है। बहुत पहले से महिमा है, आज सुन लिया आप सबने, क्योंकि ये माता जी लोग आए हैं तो देख लो इतने सारे लोग आते अपनी अपनी वो जो मन्नतें लेके आते हैं लोग, यहाँ श्रद्धा के साथ आओगे, पूजा पाठ करोगे, भगवान से मांगोगे वो जरूर देंगे, बट मन में श्रद्धा होनी चाहिए तो जरूर पूरी होगी। यहाँ पे होता है हवन, देखो मेरे पीछे सारे लोग बैठे हुए, कुछ लोग कथा सुनने आए तो कथा वगैरह सुनते, चलिए थोड़ा बहुत पूछते हैं इनसे। महाराज जी प्रणाम। तो ये महाराज जी पूजा करवा रहे हैं। तो आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लियो तो घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाली मेरी सारी अपडेट आपको मिल सके। तो घंटी इम्पॉर्टेंट।